ओ भाई ये क्या है? और लौंडो कैसे हो तुम लोग? ठीक है। तो तुम लोग देख ही रहे हो आजकल गेम में कितने सारे इवेंट्स आ रहे हैं, स्पाइडरमैन, ए मैन, ओ मैन, फलाना मैन, ढिपकाना मैन, जो भी मैन। सही पकड़े हैं। गरीना वाले गेम में से ना जितने भी बग है इनको हटाना भूल सकते हैं, लेकिन गेम में नए नए इवेंट डेली डालना कभी नहीं भूल सकते हैं। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है जिनको देखने के बाद तुम लोगों को काफी ज्यादा मजे ही आ जाएंगे, मतलब तुम लोग अंदर से रंगीन हो जाओगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा मतलब रंगीन से था कि तुम लोगों को गेम खेलने में मजा आएगा, कुछ और मत समझ लेना, तुम लोगों तुम्हारी गलती है। और अगर तुम लोगों का भी मन नहीं करता है गेम खेलने का तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो के बाद ना तुम लोग कसम से दिन भर गेम खेलने वाले हो। अच्छा। और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए डेली वीडियो बनाता है, नए नए बग्स लाता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके। तो आते हैं सबने सबसे पहले वाले बग पे। तो इस वाले बग को करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए सबसे पहले अपना मिनी लॉन्च पैड, तुम लोगों को फिर से आ जाना है रिमनैम विलेज की इस वाली जगह पे जो कि फिश हाउस लिखा है, इस वाले बैनर के सामने तुम लोग को आ जाना है, ध्यान से तुम लोग देख लो। और जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे तुम्हारे पास मिनी लॉन्च पैड जो होगा उसको कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लाना है, ध्यान से देखो, तुम लोग ऐसे कुछ ला के ना यहाँ पे लगा देना जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाएगा ना तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना, वरना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। इसके ऊपर चढ़ के लॉन्च पैड पे आना है, फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन रहता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है, फिर तुम लोग देख ही सकते तो तुम लोग पूरा वॉल के अंदर आ चुके हो। और अब जैसे तुम लोग वॉल के अंदर आ चुके हो यहाँ पे आने के बाद तो तुम लोगों को करना क्या है मुझे बताने की कोई जरूरत तो पड़ने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, मेरा कर्तव्य है बताना। सबसे पहले तो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, अगर तुम लोग सोलो खेलते हो तो तुम लोग के लिए इलेक्ट्रिक रामबाड़ होने वाली है। और दूसरी बात, यहाँ से तुम लोग बहुत ही सारे किल कर सकते हो, और स्क्वाड में भी ऐसा मत समझना कि स्क्वाड में इलेक्ट्रिक वर्क नहीं करता है, करता है। तो स्क्वाड में भी इस इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत ही सारे किल करके अपना रैंक पुश करके हीरोइक को ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। और अगर तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने पहले बार इस इलेक्ट्रिक को करोगे उन्हें दिखाओगे तो पूरा पगला ही जाने वाले कि क्या ही ट्रिक है वाले, तो तुम लोग चैनल का नाम बता देना और बोल देना सब्सक्राइब कर लेना कि यार ऐसी ही ट्रिक्स बताता हूँ मैं डेली। ओके। तो भी अपने आते हैं दूसरे वाले बग पे। तो दूसरे वाले बग तो एक नहीं है, काफी सारे बग है, मतलब एक ही प्रकार के। तो सबसे पहले तुम लोग इस वाले बग पे ध्यान दो। तुम लोग यहाँ पे तुम लोग को सबसे पहले इस वाला जो घर दिख रहा है तुम लोग को पीक के मल्टी विंडो यहाँ पे आना है, फिर तुम लोग खिड़की के पास खड़े हो जाना है, फिर तुम लोग मिनिमाइज वाला बटन ला देना है यहाँ पे, फिर तुम लोग को जंप करना है एक साथ, पहले देखो जंप वाला बटन पर क्लिक करना है, फिर तुम लोग को मिनिमाइज पे क्लिक करना है एक ही साथ, फिर जैसे ही तुम लोग गेम में वापस आओगे तुम लोग देख ही सकते हो इस घर की छत पे आ चुके हो तुम लोग। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई तूने कैसे किया है, मतलब कि ये वाला ट्रिक कैसे वर्क करता है, तो ऐसे ही वर्क करता है जैसे मैंने बताया। तो तुम लोग जाके इस वाले ट्रिक को ट्राई करो यार, सच में ये वाले ट्रिक ना काफी अमेजिंग है, और ये वाले ट्रिक अगर वर्क करती है तो तुम लोग कमेंट में बताओ यार कि वर्क करती है वाले ट्रिक। और अगर तुम लोग को भरोसा नहीं है तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ इस वाले ट्रिक को। तुम लोग यहाँ पे देखो तुम लोग को सबसे पहले जो अपना जंप का बटन होता है मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ पे क्लिक करना है, फिर तुम लोग गेम में वापस आना है, फिर भी तुम लोग देख सकते हो फिर से मैं मतलब जो छत होता है अपना मल्टी विंडो को उसको ऊपर आ चुका हूँ फिर से। तो जाके तुम लोग इस वाले ट्रिक को गेम में ट्राई कर सकते हो। ओके। तो भी अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली खिड़की के पास आ जाना जो कि अपने भीमा शक्ति पे है, और यहाँ से जैसे तुम लोग अंदर जाते हो तुम लोग देखिए तो अलमारी के तुम लोग बाहर से ना मतलब अंदर आ जा रहे हो, मतलब कि अटक नहीं रहे हो, बीच में पहले अटक जाता था। तो तुम लोग का करना है कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे आना है, फिर जैसे मैंने पिछली बार बताया था वैसे ही तुम लोग को करना है, और जैसे तुम लोग करके गेम में आओगे अपना मिनिमाइज करके तुम लोग देखिए तो तुम लोग पूरा अलमारी के अंदर फंस चुके हो। ओ भाई ये क्या है? अब इसको फंसना तो नहीं बोलते लेकिन तुम लोग बहुत ही आराम से अलमारी के अंदर आ चुके हो, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम लोग यहाँ से क्या क्या कांड कर सकते हो, तो मेरे सब्सक्राइबर तुम लोग को पता है कि यहाँ से क्या क्या कांड किया जा सकता है। और अब यहाँ पे आने के बाद तो तुम लोग को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर पुश कर पाओगे। अगर तुम लोग सोलो खेलते हो तो भाई साहब क्या बताओ तुम लोग के लिए वाले ट्रिक रामबाण होने वाली है। बात तो सही है। तभी खिड़की वाला एक और ग्लिच है, मैंने बोला था कितने सारे प्रकार है इसके, तो ये वाला ट्रिक देखो तुम लोग। सबसे पहले तुम लोग क्लॉक टावर किस वाले घर के पास आ जाना है, यहाँ पे देख लो तुम लोग को इस वाली खिड़की के पास आ जाना है, फिर तुम लोग का करना है कि तुम लोग को सबसे पहले जो अपना जंप वाला बटन था उस पर क्लिक करना है, फिर तुम लोग को गेम को मिनिमाइज कर देना है, और बूम तुम लोग देख सकते हो तुम लोग नीचे वाली नहीं ऊपर वाली खिड़की से अंदर आ चुके हो, मतलब भाई क्या ही ट्रिक है वाले तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे, मतलब तुम लोग का मतलब काफी लोग बोलेंगे कि विश्वास नहीं हो रहा भाई कैसे किया तूने, तो फिर से तुम लोग देख लो कैसे करना है तुम लोग को। सबसे पहले तुम लोग खिड़की के अंदर वाला बटन पर क्लिक करना है, फिर तुम लोग को मिनिमाइज करना है, बूम तुम लोग दूसरी खिड़की पे आ चुके हो। और अब जैसे ही तुम लोग दूसरी वाली खिड़की पे आ जाओगे यहाँ पे मतलब कभी कभार होता है ना कि बंदे वहाँ पे छुपके बैठते हैं, तो तुम लोग को सबसे पहले यहाँ पे आना है, फिर तुम लोग यहाँ पे जंप वाले बटन पे क्लिक करना है मिनिमाइज करना है, बूम तुम लोग ऊपर आ जाओगे, और ऊपर जो भी बंदा रहेंगे उनको तुम लोग इजीली मार पाओगे। भाई क्या है ट्रिक है वाली, इस वाले ट्रिक के लिए लाइक बनता है, तो लाइक कर दो जल्दी से इस वीडियो को। ओके। तो चलो अभी हम बढ़ते अपने अगले ट्रिक की ओर। तो ये वाले ट्रिक को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था सोशल आइलैंड पे तो यहाँ पे कुछ देख सकते हो तुम लोग सामने क्या ही चल रहा है, क्या ही नजारा है, तेरा भी कटेगा बेटा कटेगा, छोड़ो हम अपने ट्रिक पे आते हैं।
आई एम सॉरी बाबू। तो सबसे पहले इस वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों सोशल आइलैंड पे आ जाना, फिर तुम लोग इस वाले डस्टबिन पे चढ़ जाना है। लड़की कहाँ से आ गई यार, हट सामने से। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे आके जो अपना जो सरबोर्ड होता है उसे ऑन कर लेना, और अपने जो साइड एंगल होता है ना, जो अपना फ्री लुक होता है, उसको कुछ ऐसे घुमा देना है। फिर तुम लोग यहाँ से एक बार में जंप करना है ऊपर, जो जंप का बटन इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। फिर तुम लोग को जो सरबोर्ड हटाने का बटन होता है उस पर क्लिक करना है, और फिर रन के बटन पर क्लिक करना है एक ही साथ। और जैसे तुम लोग क्लिक करोगे तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसे दौड़ रहा है भाई, क्या ही फनी तरीके से दौड़ रहा है, तुम लोग देख ही सकते हो। मतलब कि यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो तुम्हारा कैरेक्टर ना क्या ही फनी तरीके से दौड़ रहा है। तुम लोग को हाँ याद से तुम लोग को छोड़ना नहीं है, जो तुम्हारा फ्री लुक का बटन है उसको छोड़ना नहीं है। तुम लोग के ये सब ना कर, जो तुम लोग करोगे जो प्रोसेस मैंने बताया इसको करते तुम लोग को फ्री लुक को एक ही साइड खींचे रखना है कुछ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फिर तुम लोग देख ही पाओगे कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या ही फनी तरीके से दौड़ रहा है। अगर तुम्हारा फ्रेंड ये वाला ट्रिक देखेगा या तुम्हारे इनिमीज तुम्हारा ट्रिक देखेंगे ये वाला, तो पूरा पगला ही जाने वाला है तुम्हारा कैरेक्टर कैसे फनी वे में दौड़ रहा है। तो ऐसे और ट्रिक्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से। ओके तो अभी अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को चाहिए अपना मिनी लॉन्च पैड। फिर तुम लोग को आ जाना इस वाले पत्थर के पास, जो कि बीमा शक्ति के अगल बगल ऊपर नीचे कहीं भी है। यहाँ पे आने पर तुम लोग को अपने मिनी लॉन्च पैड को कुछ इस वाली जगह पे ऐसा लगाना है जिसके मैं लगा रहा हूँ। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ जाना है, और इसे ऊपर की चढ़ कुछ ऐसे करना है। फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन है तो दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। बूम, तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा पत्थर के अंदर आ चुके हो। ओ भाई ये क्या है। और जैसे तुम लोग पत्थर के अंदर जाओ, अब यहाँ पे आने को तुम बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम लोग सोलो खेलते हो तो तुम लोग को पता ही है तुम लोग की लेवल ट्रिक काफी अच्छी होने वाली है, और इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत सारे किल भी कर सकते हो। तो भी अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना यहाँ पे, जो अपना नेक्स्ट मैप की ये वाला जगह। यहाँ पे आने के बाद तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है। ध्यान से तुम लोग देख लो इस वाली जगह को, फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है। फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बैठा होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। फिर तुम लोग देख ही सकते हो तुम लोग अंधेरी काल कोठरी में आ चुके हो। भाई मजाक कर रहा था, तुम लोग काल कोठरी में नहीं आए हो। तो यहाँ पे आने पर तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और बहुत ही आराम से बहुत सारे किल कर सकते हो। और लिटरली ना इस वाली जगह पे तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और हाँ एक बात याद रखना मेरी, यहाँ पे आने पर तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आना जब तुम्हारा रैंक माइनस होने वाला हो, यहाँ पे अगर जोन बना हो। तो यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और जो सामने बंदे आएंगे उन्हें तुम लोग मार भी सकते हो। और याद रखना कि यहाँ से तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते हो। अच्छा तो ये अपने लास्ट वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को लेना है अपने न्यू वाले कैरेक्टर को। फिर तुम लोग इसको चार्ज कर लेना है यहाँ पे मशरूम का के। फिर तुम लोग को चले जाना है अपने ट्रेनिंग ग्राउंड, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में ही आके करना है सब तुम लोग को। फिर तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चले जाना है, और जैसे तुम लोग यहाँ पे आओगे सबसे पहले तुम लोग तो एक बंदा पकड़ना है, और फिर तुम लोग इस वाले कैरेक्टर के रिलेटेड को यूज करना है, और फिर तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ करोगे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो तार जैसा जो अपना कैरेक्टर होता है ना न्यू वाला, उसका तार जैसा कुछ यहाँ पे निकला हुआ है, लत्ती बोल सकते हो इसको, जो भी बोलो तुम लोग। मतलब देखने में ये वाला ट्रिक काफी अमेजिंग लग रहा है। देख ही सकते जितने दूर तुम लोग जाओगे ना ये वाला जो रस्सी टाइप का ना ये तुम्हारे साथ ही जाएगा। तुम लोग जहां पे चले जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में वहां तक ये रस्सी आ जाएगी तुम लोगों के पास। यहां पे तुम लोग देख ही सकते हो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कितनी दूर आ चुका हूं, फिर भी ये वाला ट्रिक वर्क कर रहा है। यहां पे हमारी पूरी रस्सी आ चुकी है, तो ये वाला ट्रिक देखने में भी काफी अमेजिंग लग रहा है। तो इस वाले ट्रिक के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और मुझे पता है तुम लोग को अच्छी लगी है और ये वाली वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था। तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।